वाओ, रायते वाली बूंदी से मिठाई बनाई है और वो भी बिना चीनी के। वाओ, मैं तो सारी चट कर जाऊंगी। बंगाली स्वीट केक्स बहुत मजेदार लग रहे हैं। आज हम आपको एक सीक्रेट मिठाई खिलाने वाले हैं, देखते जाइए। ये देखिए मैंने किससे बनाया, ये जो घर में बूंदी पड़ी होती है ना फीकी वाली, वो और ये चने। शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ी ये ग्रेट कर लेती हूँ। मेरे पास इतना हो गया ना डेसिकेटेड कोकोनट। अब ये देखिए मैंने ले लिया आधा कप, ये बूंदी है, ये वाली बूंदी है, ये हल्दीराम वाली देखिए, और ये प्लेन है, मैं इसमें डालने वाली हूँ देखिए। और इसके बाद अब ये देखो मैं थाल में निकालने लगी हूँ। ये भी फीके वाले हैं, इसमें कोई नमक नहीं है, चने के भुने हुए दाने हैं ये। इसको छानोगे ना, ये देखो आगे आगे ना टॉवल में रख के भी एक बार कर लेते हैं। भुना ले लो, भुने के ऊपर रखो ये, इसको इस तरह करो। अब फिर थाल में डालने लगे मैं, इसको ऐसे करोगे ना, जिस तरह बना रही हूँ मैं वैसे वैसे बनाते जाना। ये देखो और निकला है ना, इसको निकाल दो। ये हो गया, अब मैं इसको नाप के डालने वाली हूँ। देखो हमारा हाफ कप है लगभग, हमारा ये हो गया। और तो हमने लिया है 3/4 कप। इनको ग्राइंड करके आते हैं, ये देखिए पल्स मोड पे करके आई हूँ मैं। अगर आपको लग रहा है मोटा है ना तो इसको छान लेते हैं। आज की मिठाई में ना मैं चीनी भी नहीं यूज कर रही और सब खा सकते हैं इसको। हमें इस तरह का चाहिए, देखो रंग कितना सुंदर है और कितना बारीक हो गया है ना। और हमें कोई बेसन की जरूरत नहीं पड़ी भूनने की। और इट इज वेरी वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिटिव, फुल ऑफ विटामिंस। उधर से हम चीनी भी नहीं ले रहे, गुड़ भी नहीं ले रहे, किशमिश ले रहे हैं, पूरा किशमिश में बनाएंगे उसको मिठास देने के लिए। इसके ऊपर ये तोड़ लेना, जो छोटी छोटी डंडियाँ होती है ना, इसको ग्राइंड करके आते हैं। और ये देखिए ये हमारा पल्प उसका हो गया किशमिश का। मैंने एक खुली सी परात ले ली बड़ी, इसमें पहले तो ये निकालने लगी जो हमारा किशमिश का बना है ना। ये देखो अब मैं थोड़ी सी छोटी इलायची पाउडर डालने लगी हूँ, लेकिन मेरे पास छोटी इलायची का ये पड़ा है सेंस पड़ा हुआ है, दो ड्रॉप्स डालने वाली हूँ मैं। ये डाल दिया, अब इसमें मिलाते हैं हमें कितना चाहिए। पहले इतना मिला रही हूँ 3 चम्मच। ये देखिए 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ मैं। अब इसमें 1 चम्मच मैं डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, ये देखिए 1 चम्मच डाल दिया, ये डाल दिया मैंने 1 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच और डाला है मैंने। नॉर्मल दूध है फ्रिज में से निकाला, 1 चम्मच डाला अभी मैंने, क्योंकि हमें इसे बाइंड करना है। ये मैं पूरा ही डालने लगी हूँ, बस वैसे ही बनाना है जैसे हम आटा गूंथते हैं। अभी 10 मिनट सेट होने के लिए रख दो, फिर आएंगे दोबारा गूंदेंगे। उतनी देर हम नट्स वगैरह का तैयार कर लेते हैं। ये देखो अब ये इतना केसर निकाल लिया मैंने, पहले इनको नट्स को थोड़ा थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं। और ये जो हमारा पाउडर था ना थोड़ा सा, ये देखो जो ग्राइंड नहीं हुआ था, इसको अब इसमें डालो, थोड़ी सी ये डालो। इसमें सैफरन डाल दी हमने थोड़ी सी, ये डाल रहे हैं हम 1 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 1 चम्मच मिल्क पाउडर, छोटी इलायची पाउडर ठीक है इतनी सी डालो, छोटी इलायची का ये भी है कॉन्सेंट्रेट भी है मेरे पास, ये देखो 2 ड्रॉप्स डालने वाली हूँ। ये 1/4 कप है किशमिश हमारी, इसको बाइंड करने के लिए। और 1-2 चम्मच है नॉर्मल दूध, ये देखिए। और अब इसको मिक्स करके आते हैं। ये देखिए हमारा दरदरा हो गया, आराम से रोल हो रहा है ना। अब हम बनाते हैं मिठाई। मैंने निकाल लिया, कितना बढ़िया बन गया ना। पहले हम देखते हैं आटे का क्या हाल है। अच्छी तरह मल लो इसको ना, ताकि ये एक आटे की तरह बाइंड हो जाए। जैसे मैंने वही किया जितना आटा करते हैं ना, उसे हल्का सा टाइट है। येलो कलर ले लो इसका, सिर्फ एक चुटकी भर डाल रही हूँ मैं। ये देखिए इसको मल लो, जितना अच्छा मलोगे ना उतना बढ़िया आएगा ये। इसको कल हमने आपको मोदक खिलाए थे, आज हम आपको लड्डू खिलाते हैं। देखो यही पीला और लाल वाला, ये देखो इसके हम कर लेते हैं, देखते हैं कितने बनते हैं। देखो ऐसे कर लेते हैं, लाल को अलग रखो, कितने बनते हैं देखो, 8, 9, ये देखिए इसके भी 9 पार्ट कर लो, 8 और 9। अगर आपने ऊपर थोड़ा डिजाइनिंग करनी है थोड़ा सा रख लो इतना सा। इसका टच अगर देखोगे ना बिल्कुल जैसे जैम नहीं होता, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना छोटी इलायची की। अलग अलग बाउल्स में निकाल लेते हैं, ये देखो ये निकल गए हमारे 9, ये हो गए, और ये देखिए ये 9 हो गए हमारे। अब इसके गोले कर लो ऐसे, अगर घी लगाना है लगा लो मेरे, देखो वैसे इसमें काफ़ी घी था, 9 बॉल्स बना लो। ये हमारे गोले बन गए ना बिल्कुल फाइन, देखो अब ये वाले भी इनको भी गोले कर लो,
9 हमारे ये रेड वाले हो गए और 9 हो गए हमारे येलो वाले। अब हम क्या करेंगे, इनको हम अच्छी तरह इस तरह कर लेंगे और अच्छी तरह कॉर्नर्स को पकड़ के, ये देखिए अच्छी तरह कर लो कॉर्नर्स को पकड़ के ना। ये करने के बाद ये इसके ऊपर रखो, फिर इसको ऊपर ले जाओ ऐसे, सबको शेप दे दो। तो ये हमारे बन गए और इन पे अब थोड़ी सी चम्मच से ना लाइनें दे देते हैं। ये देखो ये फोक लेके ना ये दबा दो, ये हो गए हमारे। और ये जो बच गया इसको हम क्या करते हैं, इसको सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। ये हमारे कप रेडी हो गए ना। अब इनके ऊपर ना थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं। रोस्टेड पॉपी सीड्स हैं और ये थोड़े से नट्स हैं हमारे, पिस्ता और बादाम, और इनको थोड़ा सा इनके ऊपर डाल देते हैं। वाओ ये देखो कितनी सुंदर शेप बन गई ना। सबको खिलाइए घर में, फैमिली को, गेस्ट को, और गेस्ट को तो पता भी नहीं लगेगा क्या चीज़ बनी हुई है। और देखो महीना भर नहीं ख़राब होती है, कभी भी खाइए किसी भी त्यौहार पे। दिवाली आ रही है आगे और कप केक्स की शेप दी है हमने, तो देखो कितना सुंदर है ना। और अगर काट के दिखाएं तो काट के देखो आप कितनी बढ़िया है ये अंदर से, ये देखो। वैसे काटने का सच्ची बताऊं मन नहीं करता, लेकिन अगर दिखाना है तो काटना पड़ेगा। टू कलर्स की ये देखो, वाह सो अच्छी सी लग रही है ना। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, खा के भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इट्स हैविंग अ वेरी वेरी यमी टेस्ट, श्योरली आप ज़रूर इंजॉय करोगे इसको बना के। थैंक यू, आप भी ज़रूर बनाइएगा ये मिठाई।